हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का, और ये इसका जेटा वेरिएंट है। जेटा वेरिएंट 1.5 लीटर पेट्रोल के अंदर आता है। अच्छा, जेटा वेरिएंट में क्या कुछ मिल जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट में आपको सेम वही मिलने वाली है गाड़ी जो डेल्टा वेरिएंट के अंदर, जो फीचर्स जो लुक्स दी गई हैं। यहाँ पे आपको DRL मिलेगी ऊपर, यहाँ पे आपको हेडलाइट मिलने वाली है, और नीचे सिल्वर कलर रखा गया है इसके बम्पर के नीचे वाले पार्ट का, जो स्किड प्लेट वाला पार्ट है उसका। क्रोम आपको मिल जाएगा इसके ग्रिल के अंदर, और पियानो ब्लैक फिनिश की ग्रिल मिलने वाली है। तो फ्रंट से जेटा कुछ ऐसी दिखाई देती है। साइड में जो डिफरेंस नज़र आएगा आपको डेल्टा और जेटा के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ आने वाला है अलॉय व्हील्स का। यहाँ पे आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको इस वेरिएंट के अंदर भी मिलेंगे, और बॉडी कलर ही ORV मिलने वाले हैं। हालांकि इस वेरिएंट के अंदर आपको रूफ रेल्स नहीं मिलेंगी डेल्टा वेरिएंट की तरह ही, शार्क फिन एंटीन आपको हालांकि मिलने वाला है ऊपर। पीछे आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, और इस वाले पार्ट के ऊपर आपको ये एक मेटल थोड़ा डार्क साइड का कलर दिखाई देने वाला है। पीछे की बात करें तो पीछे आपको वही सेम स्टाइलिश दिखाई देने वाली LED टेल लाइट्स मिलने वाली हैं। स्मार्ट हाइब्रिड का आपको बेज मिलेगा यहाँ पर, और नीचे आपको मिलने वाली है जो साइटिन इंडिकेटर्स और रिवर्स लैम्प का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दो दिखाई देने वाले हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। पीछे आपको कैमरा मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर, और ग्रैंड विटारा की बेजिंग आपको नज़र आने वाली है बूट के ऊपर। यहाँ पे आपको वाइपर डिफोगर मिल जाएगा, और बूट के अंदर आपको पार्शल ट्रे मिलने वाली है। काफ़ी बड़ी साइज़ का बूट स्पेस होगा, 60-40 स्प्लिट आप कर सकते हैं सीट्स को। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक स्पेयर व्हील, इसकी साइज भी 17 इंच रखी गई है। बात करें इंटीरियर की, पहले बात कर लेते हैं पीछे वाली सीट्स की। यहाँ पे आपको मिलने वाला है लेदर, यहाँ पे भी लेदर लगाया गया है, और ब्राउनिश रेड कलर है ये, ऊपर ब्लैक रखा गया है। पियानो ब्लैक फिनिश आपको मिलने वाली है इसके जो बटन्स हैं उसके अराउंड। क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक सिल्वर कलर का लगाया गया है। डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी आपको सेम ऐसा ही दिखाई देता है, बट इनका कलर रेड ही है, बट ये प्लास्टिक में रखे गए हैं, उसके ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं लगाया गया है। सीट्स की बात करें तो सीट्स लगभग सेम वैसी हैं, फैब्रिक के अंदर है। लेदर आपको नहीं मिलेगा। 3 हेडरेस्ट आपको मिलने वाले हैं पीछे, 1, 2, 3, और यहाँ पे आपको मिलने वाली है ये। ओके, अब इसके पीछे एक स्ट्रैप दिया गया है, आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगी, और ये मिलने वाली आपको AC वेंट्स। नीचे आपको मिलेंगे 2 USB चार्जर। डैशबोर्ड की बात करें, डैशबोर्ड कैसा है, यहाँ पे काफ़ी कमाल का आपको डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है इस गाड़ी के अंदर। बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स मिले हैं। सनरूफ आपको नहीं मिलेगी, रूफ रेल्स आपको नहीं मिलेंगी इस वेरिएंट के अंदर। बाहर एक और डिफरेंस नज़र आएगा आपको डेल्टा और जेटा के अंदर, कि यहाँ पर आपको ये क्रोम दिखाई देने वाला है जो डेल्टा वेरिएंट के अंदर नहीं आता है। उसके साथ साथ UV कट ग्लासेस आपको दिखाई देने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर। ये है पुश स्टार्ट बटन, हेडलाइट लेवलर दिया गया है, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको मिली है। ये जो लीवर है ना, ये सीट हाइट एडजस्टमेंट का है। और डोर हैंडल्स के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो पियानो ब्लैक फिनिश और सॉफ्ट टच जो मटेरियल है ये यूज किया गया है यहाँ पर। डैशबोर्ड के अंदर भी आपको ये जो ये है ये सॉफ्ट टच रखा गया है। ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम की जगह आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिखाई देने वाली है, और काफ़ी स्टाइलिश दिखाई देने वाले एलिमेंट्स लगाए गए हैं इसके स्टेयरिंग के अंदर। इसमें आपको मिलने वाला है ऑटो डिमिंग IRVM, और आपको बड़ी साइज वाला जो इंफोटेनमेंट है जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आता है, सेम वही इंफोटेनमेंट आपको मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का काफ़ी जगह यूज किया गया है। नीचे आपको ऑटो क्लाइमेटिक AC कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, स्टार्ट स्टॉप फंक्शन,
ये आपको मिलने वाला है इसका स्पीडो कंसोल। इसमें यहाँ पे आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, एक MID मिलने वाली है जिसमें काफ़ी सारे फंक्शंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है। आपको हेडअप डिस्प्ले जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे जेटा वेरिएंट के अंदर, हेडअप डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेल्टा वेरिएंट में ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक दिया था, इसमें क्रोम और पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया। नीचे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिखाई देने वाली है। मोबाइल वायरलेस चार्जर आपको इस वेरिएंट के अंदर भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा इंटीरियर रहने वाला है जेटा वेरिएंट का। तो दोस्तों ये थी एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो जेटा वेरिएंट का मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के। इसके काफ़ी सारी वीडियोज़ आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं। हमने एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट किया है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट का, माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट का, ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट कैसे काम करता है, कैसी कैपेबिलिटीज़ हैं। साथ साथ आप काफ़ी सारी और वीडियोज़ भी देखने वाले हैं ग्रैंड विटारा की। दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव यहीं लेते हैं आपसे विदा, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।